देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में स्टडी की। अब हमको स्टडी करना है एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वो कौन सी है, सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये सुपरसेट है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज के अंदर जो कंसेप्ट की कमी रह गई थी उसमें न्यू कंसेप्ट को ऐड करके एक नई लैंग्वेज बनाई गई और उसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस। और सी का सुपरसेट क्या कहलाता है, सी प्लस प्लस। फिलहाल अगर मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी समझाना चाहूं तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से आएगा। इसलिए इस लैंग्वेज के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसकी डिटेल आपको समझ में आती रहेगी। तो हम बेसिक थिंग्स क्या होती है प्रोग्राम लिखने के लिए, कौन सी थिंग्स नेसेसरी होती है, उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे कंसेप्ट आते रहेंगे उनको समझते रहेंगे और उसके बाद जाकर भी डिफरेंशिएट करेंगे कि सी में क्या था, क्या कमी थी, सी में कैसे उसको पूरा किया गया और फिर सी प्लस प्लस में उसको कैसे पूरा किया गया और क्या न्यू फीचर्स है सी प्लस प्लस के। तो देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो होता है वेरिएबल्स। आपने आज तक जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं फिफ्थ क्लास से लेकर तो होल लाइफ आपको मैथ्स के पेपर में चैप्टर रहा ही है वेरिएबल्स का। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे प्रोग्राम लिखता हूं, देखिए वेरिएबल्स की नीड क्या है यह समझना बहुत नेसेसरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि वेरिएबल अगर हम यूज ना करें तो क्या होता है, यूज करें तो क्या होता है, फर्क कहां पड़ता है यह आप समझ में रखिए। देखिए मेरा स्टेटमेंट है 10 + 20 = 30। नेक्स्ट 10 + 30 = 40। 10 + 40 = 50। अब यही तीन लाइन को मैं वेरिएबल का यूज करके कैसे लिख सकता हूं, देखिए एक वेरिएबल में यूज करता हूं ए, उसमें वैल्यू स्टोर कर देता हूं 10, B = 20 और मैं लिखता हूं C = A + B। अब देखिए यहां से प्रैक्टिस ध्यान में रखिए कि आपको हर स्टेटमेंट एंड करना है सेमीकोलन से, इसलिए मैंने यहां पर इससे आज ही से हम हैबिट इसकी डालेंगे, हर स्टेटमेंट को एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। हालांकि फिलहाल ये वेरिएबल समझने के लिए नेसेसरी नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप फ्यूचर में प्रोग्राम जब आप टाइप करें तो आप इसके अंदर आपका प्रोग्राम एरर लेस रहे। हाँ तो देखिए इसका आंसर 30 मिल जाएगा, इसका भी आंसर आपको कितना मिलेगा 30। फिर आप यहां पर लिख रहे हैं C = A × B, C = A - B। अब फिलहाल आप यहां से ध्यान में रखिए, अगर मैं इसका मल्टीप्लीकेशन करना चाहूं, इसका निगेशन माइनस करना, तो क्या होगा, देखिए आंसर इसका आएगा 300 मल्टीप्लीकेशन और इसका आंसर होगा -30। सेम यहां पर इसका आंसर कितना होगा 10 200, उसके बाद -10। तो देखिए कैलकुलेशन आपने वेरिएबल नहीं भी यूज किए तो भी हुए, वेरिएबल यूज किए तो भी हुए, लेकिन डिफरेंशिएट क्या है अब आपको समझना है। अब अगर मुझे यहां पर 10 की जगह पर 20 लिखना है तो यहां पर जितने स्टेटमेंट है ना उनमें सब में मुझे चेंज करना होगा, यहां पर 20 लिखना होगा, फिर यहां पर भी 20 लिखना होगा, यहां पर भी 20 लिखना होगा। लेकिन जब मैं वेरिएबल्स को यूज कर रहा हूं, अब अगर मुझे इधर कोई चेंजेस करना है तो मैं सिर्फ कहां पर
चाहिए, तो मैं यहां पर 10 की जगह सिर्फ मैं एक जगह 20 लिख दूंगा बस। बाकी इन इक्वेशंस के अंदर ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैंने यहां वेरिएबल यूज किया। उसके कंपेरिजन में इधर आपने देखा कि जहां जहां मुझे चेंजेस करना थे हर जगह जाकर मुझे चेंजेस करना पड़े, उसके बाद ही जाकर मुझे करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वेरिएबल यूज करने का बेनिफिट क्या है कि हम एक जगह चेंज करते हैं और ऑटोमेटिक जहां जहां वो वेरिएबल यूज किया गया है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा वेरिएबल। और ये क्या है? कॉन्स्टेंट, फिक्स। तो हमारा जो टॉपिक है वेरिएबल का, वेरिएबल किसको कहते हैं? सबसे बेसिक पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कैलकुलेशंस के लिए। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल आर यूज टू होल्ड वैल्यूज और टू स्टोर वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, तो वेरिएबल या तो कैलकुलेशन होल्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी ने यहां पर क्या होल्ड किया है? कैलकुलेशन होल्ड किया है। और ए और बी ने क्या होल्ड किया है? क्या स्टोर किया है? वैल्यूज को स्टोर किया है। तो वेरिएबल इज अ टेम्पररी कैरेक्टर यूज टू स्टोर वैल्यूज और कैलकुलेशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है।